हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निमिषा पांडे आज की क्लास में सेकेंड सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में ग्राफिकल मेथड्स यानी रेखा चित्रण विधियाँ, उसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम हिस्टोग्राम या स्तंभाकृति के बारे में जानते हैं। स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द क्लास फ्रीक्वेंसीज इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय वर्टिकल रेक्टेंगल्स। स्तंभाकृति बनाते समय एक्स एक्सिस पर वर्गांतरों यानी क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पर आवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ पेपर पर फ्रीक्वेंसीज यानी आवृत्तियों और वर्गांतरों यानी क्लास इंटरवल के अनुसार पैमाना या स्केल मानकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे 10 स्मॉल स्क्वायर्स यानी 10 छोटे खाने बराबर 1 क्लास इंटरवल या 1 वर्गांतर। प्रायः स्तंभाकृति बनाते समय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 4:3 का अनुपात यानी रेशियो प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। यहाँ दी गई अंक सामग्री या डेटा से हिस्टोग्राम या स्तंभाकृति बनानी है, जहाँ क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर और फ्रीक्वेंसीज यानी आवृत्तियाँ दी गई हैं। इस ग्राफ में हमें वाई एक्सिस पर आवृत्तियों को और एक्स एक्सिस पर वर्गांतरों यानी क्लास इंटरवल को प्रदर्शित करना है। इसके पहले आपको ये बता दें कि ग्राफ के बीच में शून्य से दाएं प्लस एक्स एक्सिस और बाएं माइनस एक्स एक्सिस तथा शून्य से ऊपर की ओर प्लस वाई एक्सिस और शून्य से नीचे की ओर माइनस वाई एक्सिस होता है। तो आइए अब ग्राफ में इस डेटा को समझते हैं। इस डेटा में क्लास इंटरवल के रूप में 9 वर्गांतर और उसकी 9 फ्रीक्वेंसीज यानी आवृत्तियां दी गई हैं, जिन्हें हम ग्राफ पर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करना होगा। तो ये देखिए, 0 से दाहिने हाथ एक्स एक्सिस को और 0 से ऊपर की ओर वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। अब एक्स एक्सिस पर वर्गांतरों को प्रदर्शित करने के लिए पैमाना या स्केल लेंगे, जैसे 10 स्मॉल स्क्वायर्स यानी 10 छोटे खाने के बराबर 1 वर्गांतर। तो 0 से 10, 15, 20, 25 करते हुए 55 तक बनाएंगे। अब वाई एक्सिस पर आवृत्तियों के लिए 15 खाने यानी 15 स्मॉल स्क्वायर्स बराबर 1 आवृत्ति यानी 1 फ्रीक्वेंसी को पैमाना मानकर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति 5 है तो 5 तक बिंदु बनाएंगे। अब आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दोनों के अनुसार बिंदुओं को ड्रॉ करना है, जैसे 10 से 15 के वर्गांतर की आवृत्ति 1 है तो 10 के और 15 के ऊपर 1 तक जाकर 2 बिंदु ले लेंगे और फिर उसे मिलाकर एक आयत या स्तंभ खींच लेंगे। यही हर वर्गांतर और आवृत्ति को लेकर करेंगे, जैसा इस ग्राफ में दिखाया गया है। जैसे 10 से 15 की आवृत्ति 1 तो 10 के ऊपर और 15 के ऊपर 1 बिंदु, उसके बाद 15 से 20 की आवृत्ति 2 तो ये 2 बिंदु लेकर एक आयत या स्तंभ को खींचा गया है। इसी तरह करते करते सारे वर्गांतरों के अनुसार दी गई सारी फ्रीक्वेंसीज को मिलाकर बिंदुओं को लगाते हुए इस प्रकार से आयत तैयार कर लेंगे और देखने में फिर ये स्तंभाकृति के रूप में प्रदर्शित होने लगेगा। और इस ग्राफ में अंत में स्केल्स यानी पैमाने को ऊपर लिखेंगे कि आपने कौन सी चीज़ के लिए क्या पैमाना लिया है। तो 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 CI यानी 10 छोटे खाने बराबर 1 वर्गांतर और 15 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी यानी 15 छोटे खाने बराबर
एक आवृत्ति। अब आइए आवृत्ति बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को समझते हैं। सबसे पहले बहुभुज का अर्थ है बहुत सी भुजाएं, अर्थात वह रेखा चित्र जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, और आवृत्ति बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें आवृत्ति को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ फिगर बाउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसीज। आवृत्ति बहुभुज की विशेषता है कि यह वर्गांतरों के मुख्य बिंदुओं को लेकर बनाए जाते हैं या मध्य बिंदुओं को लेकर बनाए जाते हैं। इट इज ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स। तो अब आइए इसको भी पहले हिस्टोग्राम यानी स्तंभाकृति वाले उदाहरण के साथ ही देखते हैं। इस ग्राफ में भी ठीक उसी प्रकार से वर्गांतर और आवृत्तियाँ यानी क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, और उन्हीं आवृत्तियों और क्लास इंटरवल्स को लेकर पैमाना मानेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे 0 से y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज और 15 छोटे खाने बराबर एक फ्रीक्वेंसी, 0 से x एक्सिस पर क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर 10 छोटे खाने बराबर एक वर्गांतर। इसका चिन्ह लगाने के बाद अब आवृत्तियों और वर्गांतरों यानी क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज के अनुसार हर वर्गांतर के मध्य बिंदु पर चिन्ह लगाते जाएंगे। जैसे 10 से 15, इसमें 0 से लेकर चलेंगे तो एक जो क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर है वो बढ़ा हुआ है ये लिखा रहेगा, या आप मानेंगे 0 से 5 जो है वो 0 इसकी आवृत्ति है, तो इसके मिड पॉइंट से ही हमें शुरू करना होगा, इसलिए ये बढ़ा क्लास इंटरवल मान लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं 10 से 15 वर्गांतर की आवृत्ति 1। तो 10 से 15 वर्गांतर जब आप लेंगे तो इसकी आवृत्ति 1 है, ये बिंदु आएगा और इन दोनों के बीच का ये मध्य बिंदु यहाँ आएगा। हिस्टोग्राम में हमने दो बिंदु ऐसे लिए थे, लेकिन इसमें मध्य बिंदु लेंगे यानी 5 खाने और 5 खाने इधर से छोड़ के बीच का बिंदु 1 तक जाकर लेंगे, तो ये एक निशान बना लेंगे। इसी प्रकार जब सारी आवृत्तियों के साथ सारे वर्गांतरों का कार्य पूर्ण हो जाए तो इसमें से सारे मुख्य बिंदु यानी मध्य बिंदुओं को सीधी रेखा के रूप में मिलाते चले जाएंगे, और इस प्रकार आप देखेंगे कि ग्राफ में एक बहुभुज की आकृति तैयार हो गई है। तो इसे ही आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। अब आइए संचित प्रतिशत वक्र यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे ओजाइव के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। जब संचित आवृत्तियों को यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्रतिशत में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम सीमांकों पर प्रदर्शित करके रेखाचित्र बनाया जाए, उसे संचित प्रतिशत वक्र कहते हैं। मीन्स व्हेन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एंड रिप्रेजेंटेड ऑन द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल अ डायग्राम इज क्रिएटेड इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। इसे बनाते समय वर्गांतरों को सबसे पहले शुद्ध वर्गांतरों एवं आवृत्तियों को संचित आवृत्तियों में परिवर्तित कर देते हैं, फिर संचित आवृत्तियों को संचित प्रतिशत आवृत्ति में परिवर्तित करते हैं। फॉर इट वी कन्वर्ट द क्लास इंटरवल्स इन द प्योर क्लास इंटरवल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसीज इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड देन इनटू क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है CPF is equal to 100 upon F into capital F, 100 upon N into capital F, 100 बटा N, N आप आवृत्तियों की संख्या जानते हैं, और गुणे संचित आवृत्ति यानी capital F। इस फॉर्मूला से हम सभी फ्रीक्वेंसीज या आवृत्तियों को क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी यानी संचित प्रतिशत आवृत्ति में
कन्वर्ट कर लेंगे यानी परिवर्तित कर लेंगे, तो इस प्रकार हमें ये चार्ट प्राप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें क्लास इंटरवल्स को प्योर क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित या कन्वर्ट किया गया है। आपने पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना सीखी हैं, इसलिए इस ग्राफ को आसानी से समझ पाएंगे, और क्लास इंटरवल्स को भी प्योर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना सीखा है। तो यहाँ देखिए 10 से 14 जो क्लास इंटरवल है उसका शुद्ध क्लास इंटरवल है 9.5 से लेके 14.5 तक। इसी तरह 40 से 44 क्लास इंटरवल को 39.5 से लेके 44.5 तक कन्वर्ट किया गया। इसके बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उसमें आपको कैसे कन्वर्ट करना है, 11, 134, 448, 8, 16, 16 and 521, 21 and 324, and 24 or 125 आएगा, क्योंकि 25 इस फ्रीक्वेंसी का सम है। और उसके बाद इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि CPF इज इक्वल टू 100 अपॉन n इंटू कैपिटल F, यानी 100 बटा n गुणे बड़ा F। तो अब देखते हैं इस चार्ट में प्योर क्लास इंटरवल और संचित आवृत्ति को समझा जा सकता है। x एक्सिस पर वर्गांतर और y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब वर्गांतर को प्योर क्लास इंटरवल्स को यहाँ लिखेंगे और इसमें संचित आवृत्तियों यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे, तो 9.5 से लेके 14.5 क्लास इंटरवल की संचित आवृत्ति 4 है, तो इस संचित प्रतिशत आवृत्ति जो है वो 4 है इस क्लास इंटरवल की, तो 4 तक ले जाएंगे। तो यहाँ खाने गिन लेंगे और 4 पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद 14.5 से 19.5 क्लास इंटरवल की संचित आवृत्ति 16 है, तो 16 खाने गिन के निशान लगा लेंगे। इसी तरह 16 पर पहुँच कर चिन्ह बनाने के बाद अन्य संचित प्रतिशत आवृत्तियों और शुद्ध वर्गांतरों को मिलान करते जाएंगे और चिन्ह बनाते जाएंगे, और इन चिन्हों के बिंदुओं को 9.5 से मिला देंगे और 44.5 तक के बिंदु तक जाएगा ये, इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे, तो ये इस प्रकार एक वक्र के समान दिखेगा जिसे संचित प्रतिशत वक्र यानी क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व यानी ओजाइव के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।